अ वेरी वॉम वेलकम टू इंग्लिश इंग्लिश चैनल दोस्तों आज के वीडियो में आप सीखने जा रहे हैं कुछ अच्छे एक्सप्रेशंस जो आपकी इंग्लिश को शर्तियाँ बेहतर बना देंगे नो मोर फर्दर एक्साइटमेंट एंड हेयर कम्स द फर्स्ट सेंटेंस ऑन योर स्क्रीन यह तुम्हारे लिए बहुत अच्छा समय है दिस इज़ द एक्सीलेंट टाइम फॉर यू दिस इज द एक्सीलेंट टाइम फॉर यू एक्सीलेंट यानी बहुत बढ़िया या फिर बहुत अच्छा उन्होंने फिर भी मेरी बात नहीं सुनी दे स्टिल डिड नॉट लिसन टू मी दे स्टिल डिड नॉट लिसन टू मी स्टिल यानी फिर भी कुछ करने से पहले हमेशा अपना समय लो ऑलवेज़ टेक योर टाइम बिफोर डूइंग एनी थिंग ऑलवेज टेक योर टाइम बिफोर डूइंग एनी थिंग मुझे बिन मांगी सलाह नहीं चाहिए आई डोंट वॉन्ट अनसॉलिसट एडस आई डोंट वॉन्ट अनसॉलिसट एडस अनसॉलिसट यानी बिन मांगी या फिर जबरन जैसे यहाँ जबरन दी जाने वाली सलाह अब और कोई ख्वाहिश न रहे लेट देर बी नो मोर विश लेट देर बी नो मोर विश इस प्रकार के वाक्य को लेट की मदद से बनाए विश यानी ख्वाहिश क्या उन्होंने तुम्हें नहीं बताया डिड दे नॉट टेल यू डिड दे नॉट टेल यू कल कौन कौन आएगा हु ऑल विल कम मोरो हु ऑल विल कम मोरो हु ऑल यानी कौन कौन उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है दे हैव नॉट डन मच दे हैव नॉट डन मच मैंने जीतने के लिए पक्का मन बनाया था आई वॉज़ determined टू विन आई वॉज determined टू विन Determined यानी पक्के इरादे का होना तुम कब फ्री हो गए will विल यू बी फ्री will विल यू बी फ्री दूसरों को ठेस मत पहुँचाओ डोंट ऑफेंड अदर्स डोंट ऑफेंड अदर्स ऑफेंड करना यानी ठेस पहुँचाना या फिर उन्हें नाराज़ कर देना आजकल प्यार का मौसम है लव इज़ इन दी एयर दीज डेज लव इज इन दी एयर दीज डेज इस सेंटेंस को कहने का ये अंदाज़ है ये इसकी एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं है इस प्रकार के सवालों की ज़रूरत नहीं है सच क्वेश्चनस आर अन कॉल्ड फॉर सच क्वेश्चन आर अन कॉल्ड फॉर अन कॉल्ड फॉर यानी जिसकी आवश्यकता या ज़रूरत ना हो क्या तुम इस बहस में हिस्सा लोगे participate इन दिस डिबेट विल यू पार्टिसिपेट इन दिस डिबेट पार्टिसिपेट करना यानी हिस्सा लेना किसी और बात से पहले ये काम करो डू these chores बिफोर एनी थिंग एल्स डू chores before बिफोर एनी थिंग एल्स यानी काम क्या यार क्या तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है वट बडी डोंट यू हैव ट्रस्ट इन मी वट बडी डोंट यू हैव ट्रस्ट इन मी बडी यानी यार ट्रस्ट एनी एतबार या फिर विश्वास काश मैं यह कर पाता आई विश आई कुड डू दिस आई विश आई कुड डू दिस आई विश यानी काश मैं इसके बाद कुट का यूज़ करें जो यहाँ उस पॉसिबिलिटी को शो करता है जो आपके शायद बस में नहीं है अपने मुकाबले वालों से एक कदम आगे रहो बी स्टेप अहेड ऑफ योर राइवल्स बी स्टेप अहेड ऑफ योर राइवल्स अहेड यानी आगे राइवल्स यानी जिनके साथ आपका मुकाबला हो यानी आपके प्रतिद्वंदी। मैंने मोहन को आमंत्रित नहीं किया I did not invite Mohan. I did not invite Mohan. Invite करना यानी आमंत्रित करना या फिर न्योता देना करो वह जो शुरू में तुम्हारे दिमाग में आता है डू what इनिशियली कम्स टू योर माइंड डू what इनिशियली कम्स टू योर माइंड क्योंकि बाद में कई ऑप्शन होने से कन्फ्यूज़न हो जाता है टू कम टू वंस माइंड का अर्थ होता है दिमाग में आना यह कार हमारी कार को ओवरटेक करने की कोशिश कर रही है दिस कार इज़ ट्राइंग टू ओवरटेक आवर्स दिस कार इज़ ट्राइंग टू ओवरटेक आवर्स आवर्स लगाने के बाद कार लिखने की ज़रूरत नहीं है मैंने अपने आप को भाग्य के हवाले कर दिया आई रिजाइंड माई सेल्फ टू द फेट आई रिजाइंड माई सेल्फ टू द फेट रिजाइन टू समथिंग का अर्थ होता है हवाले करना या फिर सौंप देना फेट यानी भाग्य या फिर लक मेरा भारी नुकसान हुआ है आई हैव सफर्ड ह्यूज लॉस आई हैव सफर्ड लॉस ह्यूज लॉस यानी भारी नुकसान स्कूल सुबह ग्यारह बजे से दोपहर एक बजे तक खुला होता है द स्कूल रिमेंस ओपन फ्रॉम एलेवन एम टू वन पी एम द स्कूल रिमेन्स ओपन फ्रॉम इलेवन ए एम टू वन पी एम तुम्हें यह मौका दोबारा ना मिले यू मे नॉट गेट दिस ऑपरचुनिटी अगेन यू मे नॉट गेट दिस ऑपरचुनिटी अगेन भरी हुई जिंदगी जीने की कोशिश करो ट्राई टू लीड अ फुलफिलिंग लाइफ ट्राई टू लीड अ फुलफिलिंग लाइफ फुलफिलिंग लाइफ यानी भरी हुई जिंदगी यानी जहाँ चाहते पूरी हो रही हूँ यह मेरे दूर दूर ख्वाबों में नहीं था इट वॉज बियॉन्ड माई वाइल्डेस्ट ड्रीम्स इट वॉज बियॉन्ड माई वाइल्डेस्ट ड्रीम्स बियॉन्ड वाइल्डेस्ट ड्रीम्स का अर्थ होता है दूर दूर ख्वाबों में ना होना बाकी परिवार के लोग नहीं गए द रेस्ट ऑफ द फैमिली मेम्बर्स डिड नाट गो द रेस्ट ऑफ द फैमिली मेम्बर्स डिड नॉट गो द रेस्ट यानी बाकी यहाँ आराम से इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है क्या तुमने आज कुछ अजीब सुना डिड यू हेयर एनी स्ट्रेंज टूडे डिड यू हेयर एनी स्ट्रेंज टूडे सुरेश उस तरह क्यों बोलता है वाई डज़ सुरेश स्पीक लाइक दैट वाई डज़ सुरेश स्पीक लाइक दैट जो सचमुच मायने रखता है वह तुम्हारी खुशी है व्हाट रियली मैटर्स इज़ योर हैप्पीनेस व्हाट रियली मैटर्स इज़ योर हैप्पीनेस मैटर करना यानी मायने रखना आपका हुक्म मेरे सर आँखों पर योर वेश माई कमांड योर विशिज़ माई कमांड बहुत बढ़िया एक्सप्रेशन दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए बिल्कुल कोई कन्फ्यूज़न ना हो लेट देर बी नो कन्फ्यूज़न एट ऑल लेट देर बी नो कन्फ्यूज़न एट ऑल मैं निजी सवालों का उत्तर देने से मना करता हूँ आई रिफ्यूज़ टू आंसर पर्सनल क्वेश्चन आई रिफ्यूज़ टू आंसर पर्सनल क्वेश्चनस पर्सनल यानी निजी यानी मेरी लाइफ में ताका झाँकी मत करो वहाँ कौन जाना चाहेगा हु लाइक टू गो there? हु वुड लाइक टू गो there? वुड लाइक टू का यूज़ चाहने के अर्थ में होता है मेरी कामना हो सकता है ना पूरी हो My विश मे नॉट बी फुलफिल्ड My विश मे नॉट बी फुलफिल्ड विश यानी कामना मे नॉट बी यानी हो सकता है नहीं फुलफिल यानी पूरा होना बादलों को गरजने दो लेट द क्लाउड्स थंडर लेट द क्लाउड्स थंडर क्लाउड यानी बादल थंडर यानी गरजना उनको अनुभव के लिए मौका दो गिव दैम एक्सपोजर टू गेन एक्सपीरियंस गिव दैम एक्सपोजर टू गेन एक्सपीरियंस एक्सपोज़र यानी किसी चीज़ या बात को सामने लाकर खड़ा कर देना यहाँ अनुभव यानी एक्सपीरियंस की बात हो रही है उसकी पर्सनालिटी उसे दूसरों से अलग करती है हिज़ पर्सनालिटी सेट्स हिम अपार्ट फ्रॉम अदर्स हिज़ पर्सनालिटी सेट्स हिम अपार्ट फ्रॉम अदर्स पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व या फिर शख्सियत सेट अपार्ट फ्रॉम का अर्थ होता है किसी को दूसरे या दूसरों से अलग करना दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा इसी तरह इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें और इसे तुरंत सब्सक्राइब करें बाय फ्रेंड्स फॉर नाव